आतंकी घटनाओं और सीमा पर बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाया है। सैनिकों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने अपनी अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के लिए 62,500 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही स्टील कोर गोलियों से सैनिकों की सुरक्षा में सहायक साबित होंगी। सेना के अधिकारियों ने इसी खरीद प्रक्रिया की जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस वक्त बदलते खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया पहल के तहत इन जैकेटों के लिए दो अलग अलग टेंडर्स जारी किए हैं। इस क्रम में 47,627 जैकेटों के लिए सामान्य माध्यम से खरीद निविदा जारी की गई है। सामान्य माध्यम से खरीदे जाने वाले इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स की खरीद प्रक्रिया अगले 18 से 24 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी आपातकालीन खरीद प्रक्रियाओं के तहत 15,000 जैकेट खरीदे जाएंगे। इस खरीद प्रक्रिया को अगले 3 से 4 महीनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इन दो निविदाओं के माध्यम से खरीदे जा रहे जैकेट ग्रेड 4 के होंगे। इन बुलेट प्रूफ जैकेट को स्टील कोर बुलेट के खिलाफ प्रभावी माना जाता है। गौरतलब है कि ये खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये जैकेट सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अभियानों में तैनात सैनिकों को दिए जाएंगे। इस बीच ये भी जानकारी सामने आई है कि सेना ये भी सुनिश्चित करेगी कि जैकेट भारत में बने हों और इसके निर्माण में प्रयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री किसी भी विरोधी से या किसी दूसरे देश से न लाई गई हो। गौरतलब है कि इससे पहले हाल ही में सेना ने 750 ड्रोन्स की खरीद के लिए एक निविदा जारी की थी। वहीं कुछ दिनों पहले ही 1,000 निगरानी कॉप्टरों की खरीद के लिए भी एक टेंडर निकाला गया था। साथ ही साथ चीन से लगने वाली LSC पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रिमोट से चलने वाली 80 मिनी विमान प्रणाली की खरीद के लिए भी एक टेंडर जारी किया गया था। यानी बदलती परिस्थितियों के बीच भारतीय सेना लगातार अपने सैनिकों को मजबूत करने के लिए तमाम कदम उठा रही है जो उसके सैनिकों को सीमा पर सुरक्षित बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।